अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन नंबर 3 में आपको खुश आमदीद। इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने अपना व्यू स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया था, अपना ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिया था और एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली थी। उसके अलावा हम लोगों ने व्यू स्टूडियो के कंपोनेंट्स और एक्टिविटी बार, साइड बार, फाइल क्रिएट करना, ये वाले सारे स्टेप्स देख लिए थे। आज के लेसन नंबर 3 में हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट देखेंगे, टूल्स टू डेवलप वेब डिज़ाइन देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब देखेंगे, हाउ WWW वर्क्स ये देखेंगे। उसके अलावा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं URL, वेब सर्वर, वेब पेज और वेबसाइट और वेब ब्राउज़र ये देखेंगे। और आज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, एलिमेंट्स ऑफ वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड वेब, हाउ WWW वर्क्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL जिसको हम लोग बोलते हैं, वेब सर्वर, वेब पेजेस और वेबसाइट्स। तो वेब डिज़ाइन क्या होती है? बेसिकली वेब डिज़ाइन बहुत से चीज़ों से मिलकर बनती है, जिनमें HTML, कुछ HTML के टैग्स होते हैं, कुछ CSS की स्टाइलिंग आ जाती है, कुछ JS जो यूज़र की इंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ फिर उसके अलावा आ जाती है jQuery आ जाती है, कुछ रन टाइम चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम लोग ब्राउज़र पे यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बूटस्ट्रैप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग एक वेब डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने मैंने पिक्चर में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट की इमेज लगाई। द प्रोसेस ऑफ इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग वेबसाइट, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लेआउट, कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, इमेज एंड ग्राफिक्स, उसके अलावा नेविगेशंस होती हैं। अब लेआउट क्या होता है? लेआउट बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट। आपकी वेबसाइट पे आपने यूज़र को क्या दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेआउट तैयार करते हैं कि जी हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर पहले नंबर पे स्लाइडर आना चाहिए, दूसरे नंबर पे एक टेक्स्ट आना चाहिए या एक इमेज, और उसके साथ लेफ्ट साइड पे एक कॉन्टेंट आना चाहिए थोड़ा सा, इस तरह नीचे जाके कुछ एक कुछ स्लाइड बार्स, कुछ सेक्शन मज़ीद। आप इसके अलावा शुरू से यहाँ से करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग वेबसाइट। आपके साइट पे मैंने 4 लोगोज डाले हैं जिनको हम लोग फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल करेंगे, इन लैंग्वेज को, इन चारों को, जैसे कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लेआउट, कलर स्कीम्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस एंड ग्राफिक्स एंड नेविगेशंस। लेआउट हमारा अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट होता है जिसके अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अरेंज करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे स्लाइडर और स्लाइडर के बाद, स्लाइडर से पहले हम लोग मेन्यू और मेन्यू के बाद स्लाइडर और स्लाइडर के बाद फिर आगे जो हम लोगों ने कंटेंट वगैरह यूज़ करना हो, कुछ सेक्शन बनाने होते हैं, फिर उसकी तरह लास्ट पे जाके एक फुटर आ जाता है। इसी तरह फिर उस वेबसाइट की कुछ कलर स्कीम्स होते हैं, आपकी कलर स्कीम्स बना दिए कि आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस के लिए, कुछ फॉन्ट्स की स्टाइलिंग आ जाती है वो करते हैं, फिर उसके अलावा इमेजेस आ जाती हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर आप किसी भी वेबसाइट को तैयार नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप लोग इमेजेस एंड ग्राफिक्स को तैयार करते हैं। उसके अलावा नेविगेशंस, इज ऑफ ब्राउजिंग द साइट, यानी कि एक साइट, एक पेज से दूसरे पेज की तरफ, दूसरे से पहले की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होंगी वो हम लोग करेंगे HTML, CSS, JavaScript। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, Adobe Photoshop, Figma, इनको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, लाइक WordPress, ये काम हम लोग इनकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो Adobe Photoshop है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपनी इमेजेस भी तैयार कर सकते हैं वेबसाइट की, और वहीं से डिज़ाइन करके हम लोग अपनी वेब पोर्टल पे या अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। उसके अलावा CMS,
जो कि आप में से अगर CMS बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि क्या करता है, कंटेंट वेबसाइट के कंटेंट को एडजस्ट करता है। आप उसमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आएगी और कौन सी चीज़ बाद में आएगी। इसी तरह टूल्स आ जाते हैं, टूल्स टू डेवलप वेब डिज़ाइन। मैंने लास्ट लास्ट स्लाइड में भी बताया, हम इसमें HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery का इस्तेमाल करेंगे फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए, और बैक एंड के लिए माइक्रोसॉफ्ट C#, ASP.NET, व्यू स्टूडियो कोड, व्यू स्टूडियो और SQL सर्वर को इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। एक डॉक्यूमेंट जो कि आपका इंटरनेट के साथ एक्सेस होता है, उसको एक्सेस करने के लिए, जो कि आपके इंटरलिंक डॉक्यूमेंट के साथ, एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ लिंक होता है, और उसको हम लोग इंटरनेट की मदद से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ये डेवलप किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने इसको 1989 में इसको डेवलप किया था। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के? इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, कोई सब इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। हाइपरलिंक्स, लिंक्स बिटवीन वेब पेजेस, यानी कि आप एक पेज के साथ दूसरे पेज का लिंक, दूसरे से तीसरे का लिंक्स भी डाल सकते हैं। इनको बेसिकली हाइपरलिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको हाइपरलिंक्स को भी आगे चल के देखेंगे हम लोग। उसके अलावा वेब ब्राउजर होते हैं, सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द वेबसाइट। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐप प्रोटोकॉल्स में कुछ प्रोटोकॉल्स की भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एक HTTPS जो होता है, ये सिक्योर होता है बेसिकली। आपने अक्सर वेबसाइट ओपन किया होगा तो आपको URL में एक छोटा सा लॉक नज़र आएगा, वो बेसिकली HTTPS की एग्जाम्पल है। अगर तो उसके साथ लॉक नहीं है या वो HTTPS पे नहीं चल रही, तो वो आपको वहाँ पे बार बार मैसेज ये शो करवाएगा कि प्लीज़ आप इसके अंदर SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करें, जो कि आगे चल के हम मजीद देखेंगे। इसी तरह हम लोग चलते हैं URL की तरफ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द एड्रेस यूज टू एक्सेस रिसोर्स ऑन द वेब पेज। ऐसा एड्रेस जहाँ से हम लोग अपनी मर्जी का वेब को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि उसके प्रोटोकॉल्स बताए हैं HTTP या HTTPS। उसके अलावा डोमेन नेम, जैसे आपके सामने मैंने अभी गूगल क्रोम में जाके मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे UET.ET जो मैंने जैसे ही उसका एड्रेस पास किया तो वह वेबसाइट चलने लगी। ये बेसिकली इसके URL में मैंने, ये हमारा URL होता है जिसको हम लोग, ये बेसिकली वेबसाइट का एड्रेस होता है। इसके पीछे एक IP होता है जो कि इस वेबसाइट को एक्सेस करता है। ये बेसिकली मास्किंग हुई होती है आपके IP के ऊपर, एक लाइव IP जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। उस लाइव IP के ऊपर आपका ये जो नाम है, इसको क्या कर दिया जाता है, मैप मास्क कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये आपको UET.edu, अदरवाइज तो ये नंबर्स में होता है। जैसे आपने अक्सर IPs वगैरह सुने होंगे, 11192.168.1.0, कुछ इस तरह के IPs वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली उनके ऊपर एक मास्किंग कर दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा डोमेन नेम आपको पता चल गया। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका डोमेन नेम बहुत ज़रूरी होता है, या जब भी आप कोई वेबसाइट अपने लिए डेवलप करेंगे तो आप जब उसको डिप्लॉय करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उस वेबसाइट को किसी ना किसी IP के जरिए उसको लाइव करेंगे और उसके ऊपर मास्किंग कर देंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग अभी थे, हमने URL को देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाथ टू रिसोर्स, यानी ये इससे मुराद ये है कि आप जिस पेज पे जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर अबाउट UET से VN एडमिशन के पेज पे जाना चाहता हूँ,
तो आप ये देखिए उसके ऊपर पाथ भी आ रहा है कि ये पेज कहाँ पे किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली ये जो पेज है, ये जो पेज है इस यूआरएल के ऊपर रख दिया गया है और यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल कोई भी यूज़र आके इसको एक्सेस कर सकता है। और इसमें पाथ टू रिसोर्स से बात ये है कि आपका एक पाथ है और आपकी एक डोमेन है, डोमेन के बाद उसका पाथ है और उसके बाद उसका पेज, उसकी जो नेम और उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अबाउट यूआईडी एक फोल्डर फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जाके एक इंट्रोडक्शन का फोल्डर है, उस इंट्रोडक्शन के अंदर जाके वीएन डैश मिशन के नाम से पेज है जो कि अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, वेब सर्वर को देखते हैं। वेब सर्वर क्या होते हैं? आ कंप्यूटर सिस्टम डेट होस्ट वेबसाइट एंड सर्वर वेब पेजेस टू द यूजर्स। बेसिकली आपकी जो आप जो भी कोई वेबसाइट तैयार करेंगे उस वेबसाइट को आप किसी सर्वर के ऊपर होस्ट करवाएंगे, या जो भी आप वेब पेज तैयार करेंगे उसको आप लोग किसी एक ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ से कोई भी यूज़र आके उसको एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेब सर्वर का सहारा लेते हैं। वहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट को रख देते हैं सर्वर के ऊपर और एक आईपी या एक एड्रेस दे दिया जाता है जिससे हम लोग उसको बार बार एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, डिलीवर वेब पेजेस डिलीवर कर सकते हैं, हैंडल रिक्वेस्ट वाया HTTP और इसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो HTTP और HTTPS से हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं। इसमें टाइप्स कौन कौन से होती हैं, अपाची HTTP सर्वर होते हैं, नेगिन एक्स, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होती है। अब माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये क्या काम करती है, बेसिकली ISS है। ये क्या काम करती है, ये आप जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रख देंगे, जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे तो आप ISS की मदद से अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे, जो कि ASP.NET की वेबसाइट को हम लोग या ASP.NET या माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ISS के ज़रिए ही डिप्लाई होती हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंस असेंशली फॉर वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस होती है। वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी और परफॉर्मेंस है ये देखी जाती है, ये अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ होती है। कोई भी सर्वर जब भी किसी भी वेबसाइट को सर्वर पर लाइव किया जाता है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और अच्छे से एक्सेस हो सके। इसके बाद चलते हैं वेब पेज की तरफ। अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, एक डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि एक www पर पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। टाइप्स इसकी दो किस्म की होती हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक वेब पेजेस में फिक्स कंटेंट आ जाता है, डायनेमिक वेब पेजेस में क्या आता है, कंटेंट जनरेटेड इन रियल टाइम। आप लोग रियल टाइम में कोई सा भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक पेज, जैसे आपने अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट में देखा होगा कि एक प्रोडक्ट ऐड कर दी जाती है उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी, तो वो बेसिकली डायनेमिक वेब पेजेस की तरफ मूव हो जाता है। यानी कि एक टाइम में आप मल्टीपल कंटेंट भी जनरेट कर रहे हैं और वो आपके लिए पेज भी क्रिएट कर रहा है और उसके बाद आपको वो दिखा भी रहा है। उसके अलावा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, HTML, CSS, JavaScript, स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, स्टाइलिंग ऑफ द पेज, इंटरेक्टिविटी ऑफ द पेज, एग्जाम्पल होम पेज, ब्लॉग पोस्ट, ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, ये सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं वेब पेजेस की। इसके अलावा चलते हैं वेब ब्राउजर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग एंड व्यूइंग वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए जो हम लोग ब्राउजर्स इस्तेमाल करते हैं उसको कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशंस कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं अपने वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। इनमें कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, रेंडर, HTML, इसकी मैंने तो डिटेल बताई है इसलिए ताकि आपको देखने वाले यूजर्स को किसी किस्म का मसला ना आए, वो बेसिकली यहाँ से इजीली हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ पॉपुलर ब्राउजर्स बताए, आप गूगल करो मैं, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, एज, एप्पल है, सफारी, इनके बारे में आपने सुना होगा, आप इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट के लिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना बाकायदा HTML का आगाज़ कर देंगे। के लिए आपको अल्लाह हाफिज़, ठीक है, थैंक यू।